और किस किस को करना है नाश्ता, और ये देखिए यम्मी यम्मी से किसके परांठे, गोभी के परांठे। और आज मैंने बनाए गोभी के परांठे, और बच्चों की छुट्टी थी तो कल मैंने बनाई थी आलू गोभी। बच्चों का ऑर्डर था कि मम्मा आपने बनाने हैं गोभी के परांठे, तो अभी तैयार हो चुके हैं और बच्चे उठते हैं और वो नाश्ता करेंगे, और आप भी जिस जिसे नाश्ता करना है वो आ जाए। हस्बैंड जी नाश्ता करके ड्यूटी पर जा चुके हैं, तो अभी मैं उठाती हूँ बच्चों को और फिर हम करेंगे नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, आज बना रही हूँ मैं जिंगर। आज मेरे घर में बनी है दाल, तो बच्चों ने फरमाइश की कि बननी चाहिए जिंगर, तो मैं बना रही जिंगर। इस सबसे पहले मैंने वॉश करके सिरका लगा दिया। सिरका लगाने के बाद मैंने लाल मिर्ची, नमक और हरा मसाले लगा दिया था। उसके बाद मैंने 10-15 मिनट के बाद मैदे की कॉडिंग कर दी थी, सिर्फ सादे मैदे की, ठीक है। अब ये करने के बाद अब ये यख ठंडा पानी है, मैं इसमें डालूँगी, और इसमें से निकालने के बाद दोबारा से मैं मैदे की कॉडिंग करूँगी, और ये स्टेप बाई स्टेप मैं दोबारा दोबारा करती जाऊँगी, और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। और ये बिल्कुल यख पानी है, बिल्कुल यख ठंडा पानी है, ठीक है, नॉर्मल पानी नहीं है, बिल्कुल डीप फ्रीजर में रखा हुआ पानी है। और ये फिर हम इसको रखते जाएंगे, और जब ये सारी हो जाएंगी फिर मैं इनको करूँगी फ्राई। तो आपने कहीं नहीं जाना, ये हमारा रात का डिनर तैयार हो रहा है, तो चले करते हैं तैयारी और फिर करेंगे फ्राई। और ये देख सकते हैं पूरा ये मैंने मसाला लगा के इसको तैयार कर लिया है, और जैसे ऑयल गर्म होता है इसको करेंगे फ्राई। साथ बनाऊंगी रोटी, और साथ बनी है दाल, हाँ काली वाली दाल, तो फिर हम लोग इन्जॉय करेंगे। जिस जिसने खाना है आ जाएँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन रोस्ट जिंगर, तो इन्जॉय करते हैं, चलें किचन में। ये देखिए मैंने बनाई है काली वाली मसूर की दाल, हाँ मसूर की दाल। तो बच्चे कह रहे थे कि हमने साथ खाने जिंगर ब्रोस, तो मैं बना रही हूँ वो। तो अभी ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है, तो जी हाँ ये देखिए तकरीबन एक गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल देती हूँ मैं चिकन और जैसे डन होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, हमारे डिनर इंजॉय करें। ये देखिए जी जिंगर डन हो चुका है, अभी इसको हम टेबल पे रखेंगे, और ये कुछ बन रहा है। तो लज़त भाई देखिए आपकी तरह मैं भी अच्छी अच्छी कुकिंग करती हूँ, मैं भी इंशाल्लाह मेरा भी एक पकवान सेंटर होगा। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सी यम्मी सी क्रिस्पी सी चिकन रोल। तो अभी हम जब डिनर करेंगे आपके साथ शेयर करते हैं, तो मिलते हैं टेबल पे। हेलो गाइस, क्या हाल है, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और आ जाएं खाना खाएं, जिस जिसने खाना खाना है। रोस्ट बनाया है, बहुत मज़ेदार है, और ये दाल मेरी फेवरेट है और मेरी भी। तो जी फ्रेंड्स अभी हम खाने लगे खाना, तो हस्बैंड जी का वेट कर रहे थे, हस्बैंड जी के बाहर फ्रेंड आ गए थे, तो उनके पास बाहर वो बैठे थे, तो हमसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो आज सिब्बल की और इन सबकी फरमाइश पे बना है जिंगर, तो अभी हम करने लगे हैं खाना। ओ खाना खाने लगे खाना, तो आप भी खाना खाएं। तो इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, तो नेक दुआ में हमें याद रखें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो आप करते नहीं है। तो जी जिससे खाना खाना जी आप खा कर बताएं कैसा बना है जिंगर। ये देखिए यम्मी टेस्टी है। तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे, नेक दुआ में याद रखें, बाय।